नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल डिफेंस न्यूज़ में। आज का हमारा टॉपिक है टॉप 10 मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो शुरू करने से पहले आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको यह बात जानना चाहिए कि ओनली US एंड फ्रांस हैव द एयरक्राफ्ट कैरियर विच आर न्यूक्लियर पावर्स। भी हमारे नंबर 10 इस लिस्ट में नंबर 10 पे आती है हेलीकॉप्टर कैरियर है ब्राज़ील का पीएम एथेलनको की प्राइस है 1.2 बिलियन। ये हेलीकॉप्टर कैरियर्स है। हमारे नंबर 9 पे आती है कैवियर इटली ये एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसकी प्राइस है 1.6 बिलियन डॉलर्स। उसके बाद में एयरक्राफ्ट कैरिंग कैपेसिटी है 16 STOVL और ये अपने साथ F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट को लेके जा सकती है। उसके बाद नंबर 8 पर ये वेब क्लास US है, लेकिन ये न्यूक्लियर जिसकी यूनिट कॉस्ट है 1.5 से 2 बिलियन डॉलर। ये लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉक MPP शिप है, इसके 8 सर्विस में US के। ये न्यूक्लियर पावर नहीं है। मेरे नंबर 7 पे आती है INS विक्रमादित्य इंडिया के पास एकलौता एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार है और INS आर्यन एक बन रहा है। इसके लगभग कॉस्ट है 2.5 से 3 बिलियन। इसके एयरक्राफ्ट कैरिंग कैपेसिटी है 36। इसको नंबर 6 पे आती है एडमिरल कुजेंचो रशिया, ये एकलौता एयरक्राफ्ट कैरियर रशियन नेवी में शामिल है। इसकी कॉस्ट है लगभग 3.5 से 4 बिलियन डॉलर्स। इसे 1991 में सर्विस में एंटर हुए थे और इसकी एयरक्राफ्ट कैपेसिटी है 40। हमारे नंबर 5 ही आती है Type 001H चाइना, इसकी यूनिट कॉस्ट है 4.2। इसकी एयरक्राफ्ट कैरिंग कैपेसिटी है 44। नंबर 4 पे आते हैं HMS Queen Elizabeth UK, इसकी यूनिट कॉस्ट है 4.5 बिलियन। ये लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर बिल्ड एवर इन द रॉयल नेवी, मतलब सबसे लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है रॉयल नेवी का। इसकी एयरक्राफ्ट कैपेसिटी 70 एयरक्राफ्ट ले जा सकते हैं। आप इमेजिन कीजिए कितना लार्जर हो सकते हैं। हमारे नंबर 3 पे आता है Charles de Gaulle France, ये न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसकी कॉस्ट है 5 से 6 बिलियन डॉलर्स। ये न्यूक्लियर पावर मैंने आपको बोला था, सॉरी, ये अपने साथ इस ओनली नॉन US कैरियर टू हैव द कैपिटल लॉन्च सिस्टम। जब US का एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं होते भी अपने साथ कैपिटल लॉन्च सिस्टम लेकर जा सकते हैं। इसकी एयरक्राफ्ट कैरिंग कैपेसिटी है 40। और अब नंबर 2 और नंबर 1 दोनों भी USA की है, क्योंकि US नेवी दुनिया की नंबर 1 स्ट्रॉन्ग नेवी है। इसी के साथ सबसे पावरफुल और सबसे ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर भी इनके पास है। यह है नीति मिदास क्लास USA, तो इसकी यूनिट कॉस्ट 9 बिलियन। न्यूक्लियर पावर सुपर कैरियर मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग। उसके बाद में एयरक्राफ्ट कैरिंग कैपेसिटी इसकी 90, मतलब आप जरा इमेजिन कीजिए कितना बड़ा हो सकता है। इसके 10 सर्विस हैं US के पास। और नंबर 1 पे थे गैलेंट एयरफोर्ड क्लास USA, ये सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर होने के बावजूद और सबसे अच्छा और मॉडर्न टेक्निक लगी हुई है इसमें। इसमें न्यूक्लियर पावर भी है और इसकी यूनिट कॉस्ट है 13 बिलियन। 13 बिलियन मतलब दुनिया के सबसे ज़्यादा कॉस्ट वाला एयरक्राफ्ट है। ये न्यूक्लियर पावर सुपर कैरियर है, होएगा ही ना। इसकी एयरक्राफ्ट कैरिंग कैपेसिटी 75+, मतलब 75 से भी ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर ले सकते हैं। इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम है दुनिया के सिर्फ एकलौते ऐसे ज़्यादा है जिसके पास ये सिस्टम मौजूद। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाने के लिए मत भूलिएगा। ओके बाय, कल हम लोग मिलेंगे नए वीडियो।